फ्रेंड्स इन द मीडिया, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए हैं आज। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई आंचलिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकाल रहा है, और हमें लगा कि हर इलेक्शन में सिर्फ नेशनल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन हम एक लोकल पार्टी है त्रिपुरा के, और हमारा भी ड्यूटी बनता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम पावर में आए तो हमारा क्या सोच होगा त्रिपुरा के लिए। तो आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। इससे पहले शायद लोकल पार्टीज मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करती थी, लेकिन आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, और इसमें बहुत बहुत चीज है जो आप पढ़ सकते हैं। आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यू। उसमें हम स्टूडेंट्स के बारे, यूथ के बारे, हेल्थ के बारे, एजुकेशन के बारे, STSC के बारे, OBC के बारे, माइनॉरिटीज के बारे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, टूरिज्म के बारे, इंडस्ट्री के बारे, सब इश्यूज में, मीडिया के बारे हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसको स्टडी कीजिए, लेकिन कुछ दो या तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारा कोर आइडियोलॉजी तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं हमारा कोर आइडियोलॉजी। लेकिन एक मिशन हमने स्टार्ट किया है, मिशन 15 इन 150 डेज, मतलब कि 5 महीने के अंदर, 150 दिन के अंदर अगर हम पावर में आए तो ये 15 चीज हम 100% करेंगे। सबसे पहले है एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। किसी को भी, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर होगा, किसी को भी त्रिपुरा में कहीं में भी प्रॉब्लम हो, वो टाइम बाउंड मैनर में उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, एक नंबर रहेगा, उसमें अगर आप फोन करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम नोटेड किया जाएगा, और एक टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको इंतजार करना हो, टाइम बाउंड मैनर में 7 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, आपका प्रॉब्लम का, समस्या का हल निकाला जाएगा। ये पब्लिक, ये कहीं से भी इसको फोन कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम का हम सेटअप सेक्रेटेरिएट से करेंगे। ADC सब लोग जानते हैं कि ADC में एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है, सब लोग ने बोला है मोर पावर मोर पावर मोर पावर, लेकिन हमने कहा है कि हम ADC में बजट को इंक्रीज करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे हाथ में है, और हम हर बिल जो पेंडिंग है ADC में आज से 20 साल से, उस सबको क्लियर करेंगे 150 दिन के अंदर। लैंड अलॉटमेंट, लैंड पट्टा अलॉटमेंट, हमारे बहुत लोगों को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, लैंड का अलॉटमेंट नहीं मिलता है। हम लैंड अलॉटमेंट सबको, जो पहले पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से जो डिस्प्यूट में था, जो जिसका जमीन को पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको जमीन नहीं मिल रहा था, उनका लैंड अलॉटमेंट का 150 दिन के अंदर हर लोगों को, जिसका डिस्प्यूट था, जिसका प्रॉब्लम था, जिसको पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको एलोकेशन नहीं मिल रहा था, वो हम करेंगे। उसके बाद 20,000 नया नौकरी 150 दिन के अंदर, हम लोग एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल बिल्डिंग और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एंड इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग करेंगे 150 दिन के अंदर। विलेज काउंसिल इलेक्शन, सब लोग जानते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट में बहुत लोगों ने बोला था कि हमारे ब्रू को वोटिंग राइट्स नहीं मिला है, कोरोना हुआ है, लेकिन आज वही इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो रहा है, लेकिन VC इलेक्शन नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बहाना लेके VC इलेक्शन नहीं किया। हम लोग 150 दिन के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शन होल्ड करेंगे, उससे डायरेक्ट हेल्प भी होगा हमारे गांव के लोगों को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसमें हम फ्री एजुकेशन एंड लोन, फ्री एजुकेशन लोन अप टू 5 लाख देंगे, ये भी हम 150 दिन के अंदर शुरू करेंगे। हेल्थ, हेल्थ हम लोग सब जानते हैं कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, हम लोग 24 आवर हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस सर्विसेज हर विलेज और वार्ड में 24 घंटे, 24 आवर्स, ये हम उपलब्ध कराएंगे अपने गांव में और शहर में भी। एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में बहुत यंगस्टर्स को कला बहुत है, वी ऑल हैव टैलेंट, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। यूथ के पास
बहुत पोटेंशियल है लेकिन नहीं मिलता है, तो एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग शुरू करेंगे। ये वर्ल्ड क्लास सेंटर होगा जो हम इसके लिए फंड अलग से रखेंगे, और जो फजूल का खर्च होता है उसको नहीं करके हम इसमें इसको डाइवर्ट करेंगे। फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नशा मुक्त त्रिपुरा, लेकिन हम सब जानते हैं कि नशे मुक्त त्रिपुरा के पीछे ड्रग स्मगलर्स कौन है, कौन लोग ड्रग स्मगलिंग को बैकिंग कर रहे हैं। अगर ड्रग्स को त्रिपुरा में ख़त्म करना है तो हम लोग विमेन के बिना, औरत के बिना, माँ के बिना, बहन के बिना एक ड्रग फ्री सोसाइटी नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ विलेज लेवल टास्क फोर्स, हमने सोचा है कि हर गांव में एक विलेज लेवल टास्क फोर्स होगा, उनके पास पावर होगा, वो ड्रग टैकलिंग को कंट्रोल कर सके। बहुत जगह में पुलिस नहीं जा सकती है, बहुत जगह में एनजीओज नहीं जा सकते, लेकिन हमारी जो महिला है, हमारी जो बुरुई है जो गांव में है, उनको ही हम शक्ति देकर हर गांव में विलेज टास्क फोर्स लगाएंगे टू टैकल ड्रग प्रॉब्लम। अगर गांव में ही हमारी औरत लोग ड्रग प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं तो ये नशा मुक्त त्रिपुरा बहुत आगे तक सुविधा में आएगा। हमने एक एक्शन प्लान बनाया है जिसमें जीरो, एक वाइट एक कागज निकला जाएगा, एक स्टडी किया जाएगा जिसमें हम लोग आने वाले 5 साल में जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, जीरो वायलेंस, क्योंकि त्रिपुरा सिर्फ गलत रीजन के लिए न्यूज में आया जा रहा है, सो जीरो वायलेंस, जीरो करप्शन, ट्राई करेंगे भाई, करप्शन जीरो होना मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे जीरो करप्शन लाने के लिए, जीरो ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जीरो ड्रॉप आउट, आजकल ड्रॉप आउट के लिए भी हमारा बहुत प्रॉब्लम है, जीरो ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, एंड जीरो डिजीज, जहां में मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, उसके लिए एक हम लोग टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे, और वो भी 150 दिन के अंदर, कि आने वाले 5 साल में हम लोग कैसे भूख, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रॉप आउट, ड्रग्स, करप्शन और पॉवर्टी को हटा सके। कोई गरीब पैदा होता है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें गरीब होके ही मरना है, हमारा कोई दोष नहीं है कि कोई गांव में गरीब पैदा होता है, लेकिन हमारा पूरा ड्यूटी बनता है कि हम आने वाले 5 साल में एक सिस्टम निकाले जहां से गरीबी को हटाने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी, ये आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में किया है, मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरा आइडिया ओरिजिनल है, लेकिन हर गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए, मैंने हर गवर्नमेंट से कुछ सीखा है, बीजेपी से भी कुछ सीखा है, कांग्रेस से भी बहुत सीखा है, और आम आदमी पार्टी का जो डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम है, जहां में आपका राशन कार्ड हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, विलेज लेवल में आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको हम वॉरियर्स को एम्प्लॉय करके ये डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम हम शुरू करेंगे हर गांव में। उसके बाद जो 10 प्रॉब्लम है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉब्लम नहीं होता, जो पेछारताल में प्रॉब्लम है वो अगरतला में नहीं है, जो रामनगर में प्रॉब्लम है वो साबरूम में नहीं है, जो साबरूम का प्रॉब्लम है वो अम्बासा या कंचनपुर में नहीं है, जो रामचंद्रघाट का प्रॉब्लम है वो पानी सागर में नहीं है, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। हम चाहेंगे कि एमएलए से, कोई भी पार्टी का एमएलए हो, बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, हमारा हो, कांग्रेस का हो, उन सब एमएलए से 10 प्रॉब्लम जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनका प्रायोरिटी वाइज 10 प्रॉब्लम्स हम ले और इसको 150 दिन के अंदर हल करने की कोशिश करें। कहीं में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं में ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में स्कूल का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में पुल टूटा हो वो प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 जो प्रॉब्लम है एमएलए से हम मांगेंगे, कोई भी पार्टी का हो, और वो 150 दिन में उसका जल्द से जल्द समस्या करने की, प्रॉब्लम की हम हल करेंगे।
एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। त्रिपुरा में हमारे पास अभी यहाँ में बहुत लीडर्स हैं जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, फेक सर्टिफिकेट का भी प्रॉब्लम है। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए जहाँ में हमें मालूम पड़े कि कौन क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या गरीबी है, किसकी क्या समस्या है। और जब तक हम एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम ये 150 दिन के अंदर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो जनजाति हैं, हमारे जो तिपरासा हैं और जो हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम 150 दिन में सीए के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ट्राइबल हो, कोई भी हो, वो एससी हो, एसटी हो, मणिपुरी हो, आदिवासी हो। एक जो कानून बनाया गया है जिसमें हम एक जाति के लोगों के खिलाफ एक कानून बनाते हैं वो गलत है। हिंदुस्तान में बीजेपी के आइडियोलॉग ने कहा था एक देश में दो कानून नहीं बन सकता, तो एक देश में एक धर्म के नाम में दो धर्म के नाम में कानून नहीं बन सकता। हम असेंबली में सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है कि त्रिपुरा में हर धर्म के लोगों को रहना चाहिए, हर जाति के लोगों को रहना चाहिए। और कोई कानून नहीं लगा सकते आप जहां में आप मुसलमान को या ट्राइबल को छोड़कर आप एक कानून बनाएं, ये गलत है। और मैं जानता हूं मेरे साथ हमारे हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, हमारे हिंदू भाई बहन सब हमें सपोर्ट करेंगे। ये है 15 पॉइंट्स जो हम अगले 150 दिन में पावर में आने के बाद करेंगे। उसके बाद भी बहुत पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे 10,323 टीचर्स, हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इनके केस के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे उसमें हम अपने 10,323 टीचर्स को वापस रिक्रूटमेंट एनी हाउ करेंगे या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसका सोल्यूशन लाएं, ना कि इनके इमोशन के साथ खेले। 10,323 का कोई दोष नहीं था कि उनका नौकरी हटाया गया, ये मेरा ड्यूटी बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको इनको सोल्यूशन दे, इनका नौकरी वापस दे या फिर एक फुल टाइम, वन टाइम, फुल अच्छा सा कॉम्पनसेशन दे। रिक्रूटमेंट्स, जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है हमारे ओबीसी एससी एसटी का बैकलॉग जो है उसको हमें पूरा करना है। मैं जानता नहीं हूं लेकिन जगदीश बाबू, विजय रांखोर और मैंने सबसे बात किया है। 1988 के अमल में हमने बहुत बैकलॉगों, जिसके नौकरी नहीं मिला था, बैकलॉगों को हमने नौकरी वापस दिया था। 1988 के बाद से 2023 तक बैकलॉगों को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिला है क्योंकि वो पार्टी के लिए वोट नहीं करते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलता है। किसी का दोष नहीं है कि उसने एक ऐसे पार्टी के लिए वोट किया जो पावर में नहीं है। ये सीपीएम के टाइम हुआ, आज इस अमल में हो रहा है। हम लोग बैकलॉग जो भी है, पेंडिंग रिक्रूटमेंट, उसको पूरा करेंगे। जो भी बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद से और भी बहुत पॉइंट्स है, जैसे कि हर गांव में हम एम्बुलेंस का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग फ्री कम्पिटिटिव एग्जाम्स सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, क्योंकि आज हमें TCS ऑफिसर्स, लॉयर्स, IAS ऑफिसर्स, हमें एक कोचिंग सेंटर का भी दरकार है। सब लोगों को अगरतला आना पड़ता है, अगरतला क्यों आए भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट में खोले, वहीं में हम लोगों को एम्पावर करें। हमने और भी पॉइंट किया है, जैसे कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा TTADC एरिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी सिर्फ जनरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में होना चाहिए। हमारे जो मॉग्स हैं, जो चाकमाज हैं, मैं भी विपासना करता हूं, हम भी बुद्धिज्म को मानते हैं, एक वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि नालंदा में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि बोधगया में होना चाहिए। अगर हमें टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, अगर हमें बाहर से अच्छे लोगों को लाना भी है, जापान से हो, कोरिया से हो, थाईलैंड से हो, वियतनाम से हो, अपने देश से हो, तो एक वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहां में हम शिक्षा के अलावा और दूसरी चीज को भी, जैसे कि मेडिटेशन हो, विपासना, उसको भी हम लोग उसमें ट्रेनिंग करें, योगा भी करें। उसके बाद हमने कहा है कि हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए।
हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। आज समय बदल रहा है, इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। आज अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन फिर से देना है, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल त्रिपुरा बहुत सफर किया है, क्योंकि हमने इंग्लिश एजुकेशन को किसी रीजन के लिए हमने बढ़ावा नहीं दिया। अगर आज आपको नौकरी चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी एजुकेशन मस्ट है। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको हैदराबाद महाराष्ट्र जाना है, आपको कलकत्ता जाना है, बैंगलोर जाना है, तो इंग्लिश या हिंदी की ज़रूरत है। आज बांग्ला शिक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डिजिटल क्लासरूम करना है और हम हर स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। कॉकबोरोक, काउब्रू, चाकमा, मॉग और दूसरे लैंग्वेजेस को लेकर, बंगाली को भी लेकर, हम ये दो एडिशनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज हमारा नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ना है तो उनको हर भाषा में इक्विप होना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं फॉर परचेजेस ऑफ थ्री व्हीलर्स, टूरिज्म के लिए हम दे रहे हैं, वेमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड यूथ वेलफेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जो भी औरत के खिलाफ, त्रिपुरा में वेमेन के खिलाफ क्राइम्स बहुत हाई हैं, और अगर हमने औरत को सुरक्षा नहीं दिया या उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। और हमने ये भी कहा है कि एक सेपरेट फंड दिया जाएगा जहाँ में कहीं में भी अगर औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, बलात्कार हो, डाउरी का सिस्टम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कहीं में भी, तो एक स्पेशल फंड से इमीडिएट रिलीफ दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दिया जाएगा फॉर द जस्टिस टू बी मेट। मिड डे मील्स है और बहुत चीज है, जैसे कि हमने कहा है कि महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम होगा, जहां में हम औरत लोगों को फंड्स देंगे स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रिग्नाई मेकिंग हो, धूप काठी का बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर किसी को दुकान भी खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, कुछ भी हो, तो हमें उनको एक फंड देना चाहिए जहां से वुमेन आगे बढ़े। आप देखेंगे हर सोसाइटी में अगर हमने औरत को पीछे रखा तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ता। लोन्स हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, तो हमें लगता है कि हम एक ऐसा स्कीम निकालेंगे जहां में महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के नाम में एक फंड होगा फॉर स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिग्नाई, रिसा, पैकेज फूड एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स इन ऑल एरियाज थ्रू स्टेट रन इनिशिएटिव्स। यूथ वेलफेयर में हमने कहा है कि कोई भी 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन जिसने पास किया है, अगर उसको बिजनेस शुरू करना है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू 30% सब्सिडी दिया जाएगा। अगर आप कोई भी दुकान खोलना चाहे, जैसे कि हमारे गृह मंत्री बोलते हैं पकौड़े का दुकान भी खोलना चाहे, तो 30% सब्सिडी हम दिए जाएंगे। तो कोई अगर 1,00,000 रुपया लगा रहा है तो हम 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से देंगे। अगर कोई 2,00,000 लगा रहा है तो हम 60,000 देंगे। अगर कोई 3,00,000 लगा रहा है तो हम 90,000 का उसको सब्सिडी देंगे, लेकिन उनको मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्वालिटी भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग स्कूल से ड्रॉप आउट भी नहीं करें। उसके बाद हमने एड्स अवेयरनेस के बारे बात किया है। सब लोग जानते हैं कि एड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स के लिए, तो एड्स अवेयरनेस के लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड एड अवेयरनेस कैंपेन थ्रू एनजीओस, जहां में एनजीओस को फंड दिया जाएगा टू काउंटर ड्रग्स, एड्स एंड अदर रिलेटेड डिजीजेस, बिकॉज इट हैज टू बी फॉट, इट हैज टू बी क्योर्ड। और इसमें हम गवर्नमेंट अकेला नहीं फाइट कर सकता है, इसमें हमें सिविल सोसाइटी हमारे साथ चाहिए। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया है कि स्टेट हाईवेज, विलेज रोड्स, नेशनल हाईवेज, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात किया है, एडीसी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर लिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमने बात किया है कि यहाँ में जो क्राइम है, जो हेलमेट स्क्वाड है, उसको रोका जाएगा। अपने एडीसी पुलिस बिल हमने पास किया है, एडीसी पुलिस बिल में हम 6,000 एडीसी पुलिस को रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको नौकरी देंगे इसी साल में। ये जो 6,000 रिक्रूटमेंट होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा गांव में, और वो हमारे क्राइम को कर्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पावर भी देंगे और उनको अधिकार भी देंगे। तो एडीसी पुलिस में 6,000 को हम न्यू रिक्रूटमेंट देंगे सिर्फ पुलिस में।
हम लोग 100 नया पीसीआर वैन शुरू करेंगे नेशनल हाईवे में और विलेज हाईवेज में, क्योंकि अगर पीसीआर वैन रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर और ये जो माफियागिरी जो चल रहा है त्रिपुरा में, जो बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी रोकने के लिए ये एक अच्छा एक तरीका निकलेगा। उसके बाद हमने कहा है सोशल वेलफेयर में लैंड पट्टा अलॉटमेंट टू बी गिवन टू द डिप्राइव्ड पीपल, जिसको जमीन नहीं दिया गया है। और जो जमीन, जैसे कि आप देखेंगे डुम्बुर में हम लोगों का जमीन लिया गया था, किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, सबको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तेलियामुरा में बहुत लोगों का जमीन लिया गया है, उनको आज तक जगह नहीं मिला है, वो भी दिया जाएगा। और एडीसी में जो भी बंगाली फैमिली से, किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, किसी को भी नहीं बोला जाएगा कि एडीसी से बाहर जाए। ये मैं हम लोगों का मैनिफेस्टो में है। हम सच में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स किसी के तिलक और किसी के दाढ़ी को देखकर नहीं करते हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। समाजपति, अगर आप हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अगर हमारे त्रिपुरा के कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हमारे समाजपति को हमें इज्जत देना पड़ेगा। सीपीएम शासन में समाजपति को रिप्लेस करके क्लब्स ने पूरा राइट्स लिया, लेकिन आज अगर हमें अपना आइडेंटिटी को बचाना है तो हमें अपने समाजपति ओकरा, क्षत्रिय समाज हो, चांताय हो, हदा हो, कास्काओ हो, जो भी है हमारा जो समाजपति से, उन सबको हर महीने 25,000 रुपया का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और खुमलुंग में उनको अपने ऑफिस बनाने के लिए और लैंड, उनको लैंड दिया जाएगा और ऑफिस बनाने के लिए हर समाजपति हर कम्युनिटी को जमीन दिया जाएगा, जहां में उनका एक कल्चरल सेंटर होगा और उनका ऑफिस होगा, और हर समाजपति हर ट्राइब को महीने का 25,000 रुपया दिया जाएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास करने के लिए, हमने स्टडी भी किया है। उसके बाद बहुत पॉइंट से आप लोग पढ़ लीजिए, मीडिया आपके खिलाफ बहुत केसेस हो रहे हैं, अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत लिखा तो फोन आता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी पेंडिंग केस है मीडिया के खिलाफ, उसको हटाया जाएगा इमीडिएटली। जो भी आपके, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके मालिक को एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सब लोग रिलीज कर देते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट राइट टाइम में आपको मिलता तो शायद आज आपके पास करोड़ करोड़ रुपया होता, लेकिन कागज में करोड़ करोड़ रुपया है लेकिन बैंक में एक रुपया भी नहीं है। जो भी आपका पेंडिंग पेमेंट है, हम लोग प्रायोरिटी लगाकर आपका हर पेंडिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया था इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के टाइम, वो हम इमीडिएटली रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपको भी सैलरी मिलता है उसी पेमेंट से। मैंने भी मीडिया हाउस चलाया, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल रहता है, और आपके खिलाफ कुछ भी केस हो वो सब हटाया जाएगा। आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और जो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं वो सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स को भी दिया जाएगा। तो अगर आपके फैमिली में किसी को, भगवान ना करे, कोई बीमारी हो या कोई मर जाए, तो ये जो इंश्योरेंस है वो आपके फैमिली मेंबर की तरफ भी कवर किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज डेमोक्रेसी में सब लोग पॉलिटिशियन को देखते हैं, लेकिन जुडिशरी भी है, सिविल सोसाइटी भी है और मीडिया भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस सच बात बोले तो हम नहीं देख रहे। आप लोग भी चिंतित है, एक टर्म निकला है गोदी मीडिया, मैं चाहूंगा कि आप किसी के गोदी में नहीं बैठे, आप सबके सर में बैठे, क्योंकि मीडिया का काम है कठिन से कठिन सवाल पूछना। मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। डिफिकल्ट सवाल है वो भी मैं दूंगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आपने कुछ भी गलत सवाल मांगा तो कल रात में आपको फोन आ जाता है कि ये सवाल आपने क्यों पूछा। ये सिस्टम को हम खत्म करना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछे, और आपको फ्री और एक्चुअल फ्रीडम ऑफ मीडिया दिया जाएगा। आपके प्रेस क्लब्स में हम लैपटॉप्स, वाईफाई, कैफेटेरिया, हर ब्लॉक में, त्रिपुरा में हर ब्लॉक में एक प्रेस सेंटर बनाया जाएगा, जहां में आपको वाईफाई, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और कैंटीन दिया जाएगा, जहां में आप अपना स्टोरी का फाइलिंग कर सकते हैं। वरना पूरा मीडिया अगरतला में बैठा है, और जो धर्मनगर में हो रहा है, जो करमछरा में हो रहा है, जो मनु में हो रहा है, जो रामचंद्र घाट में हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं होता है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, अगर सूरमा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए, अगर कमलपुर में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए,
अगर सोनामुरा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज आना चाहिए, उसके लिए आपको फुल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। और इसको छोड़कर आप जानते हैं कि तिपरा मोथा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में वर्ल्ड का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं। मैं खुद एमएमए का फैन हूँ, खुद फुटबॉल का फैन हूँ। एक जो दीपा कर्माकर कर सकती है त्रिपुरा के लिए, एक जो सोमदेव वर्मन कर सकता है या लक्ष्मिता रियांग कर सकता है, वो बहुत कम लोग पॉलिटिशियन लोग कर सकते हैं। एक जो पारमिता रियांग या सौरभी देव वर्मा कर सकता है त्रिपुरा के लिए, एक जो आरडी बर्मन एसडी बर्मन त्रिपुरा के लिए कर सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है। इसी के लिए मीडिया के लिए जो हमारे म्यूजिशियंस है उनके लिए म्यूजिक टास्क फोर्स, उनको हेल्प, उनके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियोस, उनके लिए एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा रजिस्टर्ड जो एम्पैनल्ड होगा। और स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का नाम हमको आगे करना है तो जो काम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका वो सचिन तेंदुलकर ने कराया, जो काम कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाया सिक्किम का वो बाईचुंग भूटिया ने कराया। तो हम भी चाहते हैं कि त्रिपुरा का स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन को प्रमोशन किया जाए। इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विद स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी किया जाए और हम स्पोर्ट्स एंड म्यूजिशियंस को फुल बैकिंग दे, आर्टिस्ट को जो कलाकार है उनको फुल बैकिंग दे कि आने वाले दिन में वो त्रिपुरा का नाम ऊंचा करे। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से भी बाहर एक दुनिया है, वो दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा त्रिपुरा का नाम को ऊंचा करेगा। इसमें बहुत पॉइंट्स है। ये पहला आंचलिक पार्टी है जिसने एक मैनिफेस्टो निकाला है। अगर यहाँ में कोई पॉइंट्स आपको ठीक नहीं लगता है, आपको लगता है कि और पॉइंट्स होना चाहिए, मैं ऐड करने के लिए तैयार हूँ, आपसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक शुरुआत है। इसमें 10,323 हो, टीचर्स का नौकरी हो, विमेन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, गे LGBTQ कम्युनिटी, इसके बारे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता, लेकिन वो भी हमारा समाज का एक हिस्सा है। उनको भी एक पॉलिसी के थ्रू हम अधिकार देना चाहते हैं। और LGBTQ गे कम्युनिटी के लिए भी हम पूरा प्रावधान करेंगे कि वो भी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में कंधे से कंधे मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर सम्मान से जिए। उनको भी फैसिलिटीज और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, वो भी हमने राइटिंग में दिया है। कोई शर्म का बात नहीं, ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये भारत हम सबका है, हर कम्युनिटी का है, हर कलर का है, हर चॉइस का है, और ये हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। प्लीज गो थ्रू इट, और अगर आपको कोई और सुझाव देना हो, मीडिया को सुझाव देना हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू इट अगेन। वेल आई नो हम बाय, थैंक यू।